देखिए फर्स्ट, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। फिर से ध्यान दें, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स। क्या क्या गिवन है बताइए आपको। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर बताइए। क्यों भाई, कोई स्कूटर चला और 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आर हो गई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। अभी तक नहीं समझ पाए क्या आप लोग इस बात को? कोई स्कूटर चला है और वो 10 सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो मीटर पर सेकंड, और फाइनल कितनी लोगे आफ्टर टी सेकंड? आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 10 सेकंड्स। तो जैसे ही कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप फटाफट सिंबल्स में देखिए क्या क्या आपको पता चल चुका है। 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कभी तो स्टार्ट किया होगा ना उसने, और 10 सेकंड के बाद ही तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के 0 से 1 होती होगी, 1 से 2, इस तरीके से बढ़ती रहती होगी यूनिफॉर्मली, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई हमको? 36 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा जाता होगा बताइए, आप अपने मन से बताइए क्या पूछा जा रहा होगा। देखिए यस एक्सेलरेशन, देखिए u भी पता है आपको, t भी पता है आपको, v कौन सी इक्वेशन लगाएंगे फर्स्ट, u पता है, v पता है, t पता है, क्या पूछा जा रहा होगा a। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के आगे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। यस, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, क्या इसमें मैं कुछ चेंज करूं एक्सेलरेशन निकालने से पहले या सीधे फॉर्मूला लगाएं? यस, वेरी गुड। टाइम किसमें दिया हुआ है? सेकंड्स में। और मैंने आपको बताया भी, कोशिश करिए कि अगर टाइम आपको सेकंड में मिल रहा है तो आप एमपीएस सिस्टम में चेंज कर लीजिए, मीटर किलोग्राम सेकंड में। तो इस v को किसमें चेंज कर लें? किलोमीटर मीटर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ओके, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने का स्टाइल बताइए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बताइए। 5/18, तो 36 into 5/18, 18 मंजा 18 टूजा 25 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस 18, a का पहले वैल्यू निकाल लो, आपको याद v क्या होता है, v माइनस u बाय tt, ये इधर चला जाएगा, तो v माइनस u और टाइम कहाँ जाएगा, नीचे, तो a क्या हो गया, v माइनस u बाय t। ओके, व्हाट इज द v, v इज 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज u, 0 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना हो गया 10 सेकंड्स। ओके, 10 सेकंड, 10 माइनस 0 10 क्या, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय 10 क्या, सेकंड, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट द स्कूटर इज एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात से आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ बताइए, कौन बताएगा? यस, ये तो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, बट इसका मीनिंग तो समझाइए, इसका मीनिंग क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? 1 मीटर चल रहा है पर सेकंड, नहीं उसमें उसकी वेलोसिटी हो गई। सर, स्कूटर 10 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड पर सेकंड चल रहा है, की स्पीड से चल रहा है, ये बोलो ना, इसको कैसे बनाएं, क्यों भाई मीनिंग नहीं पता इतने दिनों में आप लोगों को, 1 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, ये नहीं बना लोगे इसको, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज होती है, 1 मीटर पर सेकंड, ये इसका मीनिंग है। इसी को तो बोलते हैं क्या हो गया, एक्सेलरेट, स्पीड इंक्रीज हो रही है। पढ़ के आया करिए भाई पुराना, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए. अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट. फिर से ध्यान दीजिए, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट. क्या जीरो होगा? फाइनल वेलोसिटी. वेरी गुड. ओके, तो फटाक से हमको पता चल गया v is equals to 0 मीटर पर सेकंड. आगे सुनिए, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट. क्यों भाई? रेस्ट में लाने के लिए क्या लगाया होगा? ब्रेक. अभी वही बोला जा रहा है. और कुछ टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा? yes. हाँ, तो वही बोला जा रहा है. अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड्स. तो ये रेस्ट में कितनी देर में आ जाती है? 20 सेकंड्स में. ओके, आगे पढ़ते हैं. अब बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, तो आपको ध्यान रखना है क्या लगाया जा रहा है? ब्रेक्स. और जब ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है? एक्सीलेट होती है, रिटार्ड होती है. तो एक्सीलेशन पॉजिटिव रखोगे कि नेगेटिव रखोगे? रिटार्डेशन कैसा रखोगे? ओके, तो देखिए क्या बोला जा रहा है. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द, आपको क्या निकालना है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स. फिर से ध्यान दें, इफ द retardation, if the retardation due to brakes is 2 meter per second square, तो अगर retardation ऐसा है तो acceleration कैसा होगा? Negative. Okay? तो हमने तो retardation में ज्यादा हम interested नहीं है, हम तो किसका formula लगाते हैं? A लिखा हुआ है ना वहाँ, वहाँ ये तो बोला गया नहीं retardation है, तो हम यहाँ पे acceleration अपने मन से बनाएंगे. कितना हो जाएगा? साइन कैसा लगाते हैं? Minus. Yes, minus 2 meter per second square. को दिक्कत है, ये हो गया. अब बताइए कौन सा फॉर्मूला फिट इसमें बैठ रहा है? v है, yes. u चाहिए, yes. a है, yes. टाइम है, तो फर्स्ट ही लगा देते हैं, को दिक्कत नहीं है. देखिए थर्ड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? s. ओके, एंड आप सेकंड भी नहीं लगा सकते हैं, s नहीं है आपके पास, तो फर्स्ट लगा देते हैं हम लोग. तो क्या हो जाएगा? क्या फाइंड करना है आपको? U. तो U को यहाँ से बनाइए, तो क्या हो जाएगा? 80 किधर चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में. तो V is equals to U plus, देखो जिसको फाइंड करना होता है ना पहले उसका फॉर्मूला बना लो अपने आप. ओके, तो ये इधर चला जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? V minus 80. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट कर दे बोथ साइड? 80. सब्ट्रैक्टिंग 80 ऑन both side. ऐसे भी कर सकते हो, तो इधर देखिए, इधर भी 80 माइनस और इधर भी 80, ये कैंसिल हो जाएगा, तो u का वैल्यू कितना आ गया? v माइनस 80. तो u इज इक्वल्स टू v का वैल्यू कितना है? 0 माइनस. एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स. ये एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बच गया? मीटर पर सेकेंड. बचना भी चाहिए क्योंकि क्या निकाल रहे हम? इनिशियल वेलोसिटी. ओके, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में u इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 20. 2 इंटू 20 इज 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और आप खुद भी देख लीजिए, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? 40. बाद में डिक्रीज कर देगी, इंक्रीज कर देगी, इसलिए क्या हो गया? रिटार्डेशन. और एक्सेलरेशन कैसा हो गया? नेगेटिव. करिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन. अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस समझते हैं? हाँ, ये देखिए, ये अर्थ के पैरेलल ऐसे. ओके, ये अर्थ के पैरेलल ऐसे आप समझ सकते हैं सरफेस से. अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0. इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या दिया है? यू 0.5 मीटर पर सेकेंड से स्लाइड करती, फिसलती. देखिए क्या हो जाती है? रुक जाती. क्यों रुक जाती है? छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, जूनियर क्लासेस में फ्रिक्शन. वेरी गुड. फ्रिक्शन इसका अपोज करता है, इसके मोशन का. ये इधर फोर्स लगा के जाने की कोशिश कर रही है स्लाइड करके, और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर. तो ये रेस्ट में आ जाती है. ओके, अगर रेस्ट में आ जाती है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? हाँ, तो सुनिए क्वेश्चन.
तो ये आपको खुद ही सोचना है, क्वेश्चन में नहीं दिया जा रहा है। आगे सुनिए, बोला जा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, फिर से ध्यान से सुने, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दिया होगा, फिर से सुनिए, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन, वेरी गुड। ये यूनिट से पहचाना आपने, अब यूनिट से चलिए पहचान लिया, इसका मीनिंग बताइए क्या है। एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग क्या है, डिक्रीज। इसलिए ये क्या दिया हुआ है, रिटार्डेशन। क्या दिया हुआ है ये, और रिटार्डेशन पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन कैसा रखोगे, 0.05 मीटर पर सेकेंड। जैसे आपको कोई एक्सीलरेशन का मतलब पूछे ना, तुरंत उसको लिखिए मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, और फिर बोलिए एक सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी, या तो घटती होगी या तो बढ़ती होगी। ओके, हाँ तो अच्छा बताइए, और फाइनली क्या हो जाता होगा ये, क्वेश्चन में तो बोला नहीं जा रहा है ना, बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, भाई उस समय में तो रुकेगी। ये देखिए, ये ऐसा स्लाइड किया मैंने, रुका ना, तो वही पूछ रहा है कितनी देर में रुकेगा, तो टाइम निकालना है आपको, और रुकेगा का क्या मतलब है, वी कितना रखना है, जीरो। क्या क्या के मैंने, यू पता है, वी पता है, कौन सा लगाते हैं, फर्स्ट वाला, सेकेंड क्यों लगाओगे, एस कहाँ पे पता है आपको, हाँ कितना दूर जाके रुकती है पता है आपको, डिस्टेंस पता है नहीं ना, तो कौन सा लगा देंगे, फर्स्ट। और फर्स्ट में फटाफट टाइम बनाइए कैसे बनेगा, टाइम का फॉर्मूला निकालिए यहाँ से, वी यू डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू टाइम, कोई दिक्कत है, वैल्यू रखना शुरू करते हैं, वी जीरो माइनस यू इज 0.5 डिवाइडेड बाय ए इज माइनस 0.05। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, ऊपर चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, एंड प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, माइनस का माइनस 0.5 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय माइनस 0.05, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये पॉइंट ऐसा हटता है तो 10 आता है, और ये पॉइंट जाता है तो 1 2, क्या आएगा, 100 आएगा, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 5 into 10 is what, 50, और 05 is 5, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा, तो कितनी देर में बॉडी स्टॉप करेगी, 10 seconds में, ओके, करीब, पुर्सल, now, we have next question, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जब स्टॉप हो जाती है तो क्या जीरो होता है, V, और जब रेस से चलती है तो क्या जीरो होता है, U। तो क्वेश्चन सुनिए, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ, हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ जीरो, सॉरी, हैव अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, क्या निकालना है, कौन सा लेटर निकालना है, एस। ठीक है, तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स, इन 10 टाइम कितना है, 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट, आगे बोला जाता है आफ्टर स्टार्ट, मतलब शुरुआत होने के बाद, तो शुरुआत करिए, ये खड़ी है, और इनिशियल कितनी लोगे, जीरो, तो जब भी बोलेगा आफ्टर स्टार्ट तो यू कितना लेंगे, जीरो। ओके, अच्छा एक बात बताइए कि इसका मीनिंग क्या है, हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, तो बताइए आपको क्या फाइंड करना है, एस क्या पता है, ए पता है, ओके क्या पता है, यू पता है, ओके और क्या पता है, टाइम पता है, ठीक है, हाँ तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं आप, सेकंड, देखिए यू पता है, टी हमको भी पता है, ए भी पता है, एंड टी भी पता है, ओके ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू
यू की जगह कितना रखें, जीरो इंटू टाइम की जगह 10 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सॉरी हाफ ए एंड टी का स्क्वायर, ध्यान रखें टी का स्क्वायर, इसलिए उसकी यूनिट का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके तो ये देखिए 10 सेकेंड का स्क्वायर, कोई दिक्कत है 10 सेकंड का स्क्वायर, समझ में आया ये बात? हाँ, तो ये 10 का स्क्वायर और ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा और सेकंड पे भी लगेगा, तो यहां से हटा देते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डिस्टेंस का यूनिट क्या आना चाहिए मीटर, मीटर ही बचेगा क्योंकि देखिए 0 * 10 इज 0, तो यहां आ जाएगा 0 प्लस इसको कैंसिल करिए 2 बन जाए 2 2 2 = 4, ये हो गया कितना 2 मीटर * 10 का स्क्वायर इज 100, ठीक है 200, तो 0 तो हट जाएगा बिकॉज़ 0 प्लस समथिंग इज समथिंग, वही आएगा 2 * 100 इज 200 मीटर। ओके तो रेसिंग कार है भाई वो, यस रेसिंग कार है, 10 सेकंड में देखिए कितना दूर जा रही है 200 मीटर, लगभग लगभग 200 मीटर का मतलब समझ रहे हैं क्या, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो ये देखिए ये 1 किलोमीटर का हो, हां 1/4 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 1000 1 km में कितना 1000 मीटर, 1000 मीटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए 250 मीटर, ये कितना चल रही है 200, कितनी देर में 10 सेकंड में, तो थोड़ा सा 50 मीटर और कम कर दीजिए 1/4 किलोमीटर में से, है ना, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फिर से ध्यान से सुनिए, स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या गिवन है, फाइनल स्पीड, इनिशियल है ना ये, जो भी पढ़ के नहीं समझ में आ रहा आपको, स्कूटर मूविंग मूविंग आई एन जी लगा मतलब मूव हो रहा है, हो रहा है, इंग्लिश में पढ़ाया आपने, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आई थिंक, तो अ स्कूटर मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप बाय ब्रेक्स विच प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी आपको 10 मीटर, ब्रेक लगता है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्या होगा रिटार्डेशन, मींस नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन एंड दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, इससे आप क्या समझते हैं 0.5 क्या हो रही है उसकी स्पीड, हाँ कम हो रही है, हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो रही है। ओके ये इसका मतलब है, एंड क्या पूछा जाता होगा बताइए, हाँ हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, ओके मतलब चलने से पहले वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, सॉरी रुकने से पहले वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, ओके ये ब्रेक लगना शुरू हुई, लगती गई लगती गई लगती गई लगती गई और ये स्टॉप, ओके तो यहां से चलता होगा ब्रेक लगती होगी, यू कितना गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड और बी कितना रख दोगे 0 मीटर पर सेकेंड, रुक जाता होगा बाद में, तो कितना टाइम लगा ये आपको बताना, और सच बात तो है देखिए इधर एक सेकंड में कितनी कम होती है 0.5, तो दो सेकंड में कितनी होगी 2 × 0.5, मतलब दो सेकंड में कितनी कम होगी 2 × 0.5, मतलब कितनी कम होगी 1 मीटर पर सेकंड, तो दो सेकंड में कम होती है 1 मीटर पर सेकंड, तो टोटल कितनी कम करना चाहते हो 10, 10 को घटा के कितना करना चाहते हो 0, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो 10 × 2 20 सेकेंड में डिक्रीज होगी 10 से इधर मल्टीप्लाई, तो 20 सेकेंड में डिक्रीज होगी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके ओ सॉरी दिस इज द टाइम, ना टाइम नहीं फाइंड करना, पर कोई बात नहीं मैं आपको दिखा रहा था किस तरीके से टाइम आप ऐसे निकाल सकते हो, आप टाइम फर्स्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्या निकालना है, चलो टाइम निकाल लिया तो निकाल लिया, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए v माइनस यू बाय ए, बी कितना है 0 माइनस
यू का वैल्यू कितना रखोगे 10 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना रखोगे माइनस 0.5 पॉइंट हटा देंगे 0 ये कितना आ गया 20 सेकंड इतना ही आ रहा था भी बैटरी एसिड से भी ये कैंसिल हो जाएगा बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस कितनी दूर जाके स्कूटर रुकेगा तो दिस इज द डिस्टेंस कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए थर्ड भी लगा सकते हो आप आई थिंक और सेकंड भी अब तो टाइम भी निकाल लिया ना आपने अगर आपने टाइम निकाल लिया तो आप सेकंड भी लगा सकते हैं और नहीं निकाला है टाइम तो आप थर्ड लगा सकते हैं क्योंकि वहां पे टाइम नहीं पूछा जा रहा था इसलिए हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a व्हाट इज द u स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज 100 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 2 What is A? Minus A is 0.5 meter per second square into what is S? We have to find S. So if we have to find S, then first of all find the formula for S. Okay? So it will become V square. ये U square इधर चला जाएगा. Is equals to 2As. 2A को क्या कर देंगे इधर? Divide. कोई दिक्कत है? उधर multiply में था S का value आ गया. तो V रखो आप simple. सबकी यूनिट सेम है ना एमके सॉरी सेम कह रहा हूँ एमके सिस्टम में ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लीजिए सीधा आ जाएगा वी का स्क्वायर कितना जीरो का स्क्वायर रुक जाता है फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर 1000 टू इंटू ए कितना है माइनस 0.5 ऐसा भी यूनिट रखने की जरूरत नहीं हुई सारा यूनिट इसमें एमके सिस्टम में इसलिए डिस्टेंस का यूनिट क्या बचेगा मीटर सारा कैंसिल होने के बाद तो ये हो जाएगा s is equals to minus 100 because 0 का स्क्वायर है 0 0 minus 100 is minus 100 plus minus minus 2 into 0.5 1.0 या